तो हेलो दोस्तों, अगर आप अपने CGHS कार्ड को ऑनलाइन प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका CGHS कार्ड जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद से आपको उसको मैन्युअली जाके उनके ऑफिस से लेना पड़ता है, तो अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। अगर आप इसे ऑनलाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको CGHS.NIC.IN की वेबसाइट पे जाइए। उसके जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये इसका होम पेज है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अलग अलग लिंक्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी अलग अलग लिंक्स हैं। आपने क्या करना है, क्लिक करना है बेनिफिशियरी लॉगिन पे। क्लिक कीजिए बेनिफिशियरी लॉगिन। जैसे ही आप बेनिफिशियरी लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना बेनिफिशियरी आईडी जो आपके कार्ड पे दिया होता है, और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जनरेट पासवर्ड। जब आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका दोबारा कंफर्म किया जाएगा आपका बेनिफिशियरी आईडी क्या है। आपके कार्ड पे, हर कार्ड पे एक आईडी लिखा होता है, वो आपका यूनिक होता है, वो आपको आईडी डालना होता है। उसके बाद से आपकी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। उसके बाद से आपने क्या करना है, इसमें अपना बेनिफिशियरी आईडी आप डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर दीजिए इसमें। उसके बाद आपने क्लिक करना है रजिस्टर, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, उनके पास पासवर्ड नहीं होगा, तो उनको सबसे पहले यहाँ से पासवर्ड लेना है। वो आपका पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। एक बार आपके पास पासवर्ड आ जाता है तो आपने क्या करना है, साइट पर आके आपने लिखना है बेनिफिशियरी लॉगिन, क्योंकि अब आपका पासवर्ड जनरेट हो चुका है। उसके बाद से आपके पास ये आपका बेनिफिशियरी आईडी आप डाल दीजिए इसमें, और पासवर्ड। अब आपने क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक किया आपने, उसके बाद से आपके जो है सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए आप, व्यू इन्फो, क्लेम स्टेटस, मोबाइल नंबर, अपडेट ईमेल, अपडेट आधार, ये सारा का सारा जो है आप इस स्क्रीन से कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा है। उसके बाद से आपने क्या करना है, अगर आपने ऑनलाइन प्रिंट करना है अपने कार्ड का, तो आप इस जगह पर जाइए और आप क्लिक कीजिए प्रिंट कार्ड। जब आप प्रिंट कार्ड करेंगे तो आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जिसको कि आपने एंटर करना है। जब आपका ओटीपी एंटर करेंगे तो आपका कार्ड जो है डिस्प्ले हो जाएगा, और आपका कार्ड जो डिस्प्ले होता है उसको आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए। तो अब आप घर बैठे अपने CGHS कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे घर बैठे निकालें और उसको कलर्ड प्रिंट आउट निकालें, जिससे कि आप इसको कहीं पे भी शो कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी वीडियोस पे बनाऊंगा जो कि आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी।